ବଦଳୁଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦେଶର ବେରୋଜଗାରିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କୋହଳ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ବେପାରୀମାନେ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ଯେମିତିକି ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଆଦିର ବେଶ୍ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ବେଶ୍ ଭଲ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଥିବା ସହ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ ସମୟରେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। पहले इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कम था, कई कंपनियां हैं जैसे स्विगी, जोमैटो, अमेजन, लोड शेयर, काफ़ी सारी कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो पहले काम कम था। अब धीरे धीरे टाइम टू टाइम फेस्टिवल आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, तो उनकी वजह से काम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। कस्टमर को फ़ायदा मिलता है, जैसे डायरेक्टली रेस्टोरेंट से आते हैं या कहीं से भी लेते हैं तो उनको डिस्काउंट कम मिलता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर डिस्काउंट मिलते हैं। बढ़िया काम चल रहा है, पहले 4 साल पहले बहुत कम काम था जोमैटो में, और उसके बाद अभी मार्केट में ऑर्डर बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारी कमाई भी इंक्रीज हुई है ना इसके अंदर। तेबे पार्वणर समय हेतु सेमानक व्यापार खूब भल चली। तेबे एहाकु नै किछि ग्राहक कहिसेंति जे ऑनलाइन फूड डेलीवरी जोगु सेमाने सुविधारे खाइबा पाइ परुछेंति। ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟରେ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଖରିଦାରୀ ଅଲମୋଷ୍ଟ କରତେ ରହତେ ହେଁ ଅଭି କି ଇତନା ତୋ ଟାଇମ୍ ରହତା ନହିଁ ହୈ ଅଫିସିଆଲ ମେ ଔର ବାହାର ଆନେ ଜାନେ କା ଇତନା ଟାଇମ୍ ରହତା ନହିଁ ହୈ, ଟାଇମ୍ ବଚତା ହୈ ଉସସେ ଔର ୟେ ହୈ କି ବେନିଫିଟ୍ସ କାଫି ଅଚ୍ଛେ ରହତେ ହୈଁ ଅନଲାଇନ୍ ମେ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟସ୍ ହୋ ଗିଆ, ଫ୍ରି ଡେଲିଭରିଜ୍ ହୋ ଗଈ, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए सबको। आप मान के चलिए 60-70% आजकल ऑनलाइन ही चलता है। ऑफलाइन के अंदर तो आप जाओगे, टाइम आपका थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लगेगा, इतना ट्रैफिक, तो उस चीज़ को देखते हुए तो फिर कई बार क्या है ऑलमोस्ट लोग यही सोचते हैं कि ऑनलाइन ही मंगाई जाए। तबे केवल खाइबा जिनस नुहे, मार्केट रे विभिन्न दुकान रे जेमिति सुना दुकान, ଗାଡ଼ି ଦୋକାନ ଆଦିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା କିଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରଟରେ ଏକ ଦୋକାନର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଯାବତ୍ 10,008 କୋଟିର ରପ୍ତାନୀ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରପ୍ତାନୀ ହେବା ନେଇ ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। कोरोना काल के बाद दिवाली के इस खरीदी के टाइम पे बहुत ही अच्छा रिकवरी है और बहुत ही अच्छी सेल हो रही है। कोरोना काल के बाद से जो प्राइस सब में बढ़ी है, तो भी इन्वेस्टर है और जो शॉपिंग करना चाहते हैं, जिसको ज्वेलरी पसंद है और जो खरीदारी करना चाहते हैं, वो आज के डेट में भी खरीदारी कर रहे हो। और गिना जाए तो कोरोना काल से पहले 4,800 करोड़ का कुछ एक्सपोर्ट हुआ था, उसके बाद 2021 में 7,350 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, और ये चालू ईयर में, अभी ईयर पूरा नहीं हुआ फिर भी 10,400 करोड़ का एक्सपोर्ट हो चुका है। गाड़ी गुड़िकर मध्य बहुत भल व्यापार होता है। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ। इस साल तकरीबन यू कैन से अगर सीजन की बात करते हैं तो इट हैज ग्रोन बाय 30-35% कम्पेयर टू लास्ट ईयर सीजन। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से इतना अच्छा इफेक्ट नहीं था, लेकिन इस बार कोरोना जाने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट हो गया है गाड़ियों का। एक आंकड़ों की हिसाब से देखने जाए तो 2020 के अंदर 3 लाख गाड़ियां पैन इंडिया बिकी थी, मोटरसाइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है, 3.75 लाख यानी 4.25 लाख गाड़ियां मोटरसाइकिल पैन इंडिया बिकी है। तबे देशर व्यवसाय गुड़िक लाभवान हेले देशर आर्थिक स्थिति रे भी खूब शीघ्र परिवर्तन आसीबार संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।